हेलो गाइस वेलकम टू द वीडियो और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल के बारे में तो कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है हमारी सिस्टम सिक्योरिटी के अंदर बट जब बात आती है सिस्टम सिक्योरिटी को रिकवर करने की सिस्टम सिक्योरिटी को मेंटेन करने की तो कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल प्लेज ए इम्पोर्टेंट एंड बिग रोल तो कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल के डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल हमारा कहता है कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इफ ए कोड इज अनट्रस्टेड देन किल इट मतलब अगर कोई भी कोड हमारे सिस्टम के अंदर कोड किस फॉर्म में हो सकता है प्रोग्राम की फॉर्म में हो सकता है एप्लीकेशन की फॉर्म में हो सकता है एक्सटेंशन की फॉर्म में हो सकता है तो अगर इनमें से किसी भी टाइप का कोड अनट्रस्टेड है अनट्रस्टेड का मीनिंग है वो इनसिक्योर्ड वेबसाइट्स के थ्रू इंटरनेट से डाउनलोड किया गया है या उसके अंदर वायरस है तो हमारा कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल क्या करेगा उस प्रोग्राम को उसी टाइम जो है किल कर देगा किल करने का मीनिंग है उस टाइम को जो है हमारा कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल जो भी सॉफ्टवेयर रन हो रहा है जो कि अनट्रस्टेड उसे वो क्या कर देगा कट कर देगा यानी हमारे सिस्टम के अंदर रन नहीं होने देगा तो ये अनट्रस्टेड कोड की जो हम बात कर रहे हैं इसे हमें जानना बहुत जरूरी है कि इसे हम डाउनलोड कहाँ से करते हैं सो so, अनट्रस्टेड कोड जो है हमारा डाउनलोड हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम प्रोग्राम फ्रॉम अनट्रस्टेड इंटरनेट साइट अनट्रस्टेड इंटरनेट साइट जितनी भी हो सकती है उनसे हम जो है कुछ इन फॉर्म में जो है इस अनट्रस्टेड कोड को डाउनलोड कर लेते हैं किन फॉर्म में एप्स की फॉर्म में एक्सटेंशन की फॉर्म में प्लगइन्स की फॉर्म में और कोडेक्स फॉर मीडिया प्लेयर मीडिया प्लेयर के अंदर जितने भी हम कोडेक्स डाउनलोड करते हैं एम थ्री फाइल को रन करने के लिए एम फोर फाइल को रन करने के लिए वेव एम थ्री फाइल को रन करने के लिए तो इस तरीके की फाइल्स के लिए जो हम जो कोडेक्स डाउनलोड करते हैं या प्लग सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन इनको जो हम डाउनलोड करते हैं अगर है, है, ये अनट्रस्टेड वेबसाइट से हैं मीन्स इनसिक्योर्ड वेबसाइट से हैं ये गारंटीड है कि उसके अंदर वायरसेस होंगे वो आपको पता नहीं चलेंगे बट उसके अंदर वायरसेस होंगे बट जैसे वो हमारे सिस्टम के अंदर वो फाइल रन होगी वो एक्सटेंशन रन होगा वो कोड रन होगा तो हमारे कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल अगर एक्टिव है हमारे सिस्टम के अंदर तो वो क्या करेगा उस करेगा उस फाइल को चेक और उसे पता चलता है कि वो अनट्रस्टेड साइट से डाउनलोड की गई है तो वो उसी टाइम जो है किल कर देगा किल करने का मीनिंग पहले बता चुका हूं डायरेक्टली उस चीज को उस सिस्टम को उस फाइल को वो क्लोज कर देगा एक्सपोज एप्लीकेशन के फॉर्म में जो है ये अनट्रस्टेड कोड हमारे सिस्टम के अंदर आ सकता है मैं आता है हमारे पीडीएफ एंड आउटलुक्स पी डी एफ व्यूवर्स और आउटलुक्स ये किस लिए यूज़ होते हैं ये यूज़ होते हैं हमारे एक्सटेंशन एक पर्टिकुलर एक्सटेंशन फाइल को जो है देखने के लिए चेक करने के लिए या फिर यूज़ करने के लिए पी डी एफ व्यूवर्स हम डाउनलोड करते हैं पी डी एफ़ फ़ाइल जो भी हमारी होती है डॉट पी डी एफ एक्सटेंशन जो होता है उसकी फाइल को देखने के लिए हम पी डी एफ व्यूवर्स डाउनलोड करते हैं आउटलुक्स यूज़ करते हैं हम पावर पॉइंट वर्ड डॉक्स एक्सेल फाइल इन सभी को देखने के लिए और यूज़ करने के लिए बट ये जो एक्सपोज एप्लीकेशन है अगर ये भी आपकी अनट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से डाउनलोड हो रही है या फिर यूज हो रही है देन इसके अंदर भी जो है आपका वायरस होगा और कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल इस चीज़ को वर्क करते हुए अगेन चेक करेगा कि आपकी जो फाइल है एक्सपोज एप्लीकेशन है क्या वो अनट्रस्टेड साइट है अनट्रस्टेड कोड है इफ यस देन इट किल्स इट इफ नो देन इट रन प्रॉपरली एंड लास्ट आता है लेगेसी डिमोन्स लेगेसी डिमोन्स बेसिकली आप सभी ने जी यूज़ किया होगा तो जी के अंदर क्या होता है हम पर्टिकुलरली एक इलेक्ट्रॉनिक मेल सेंड करते हैं फ्रॉम वन पर्टिकुलर मेल आई टू अनदर पर्टिकुलर मेल आई लेगेसी डिमोन्स के अंदर सेंड मेल और बाइंड करके कुछ एप्लीकेशन कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि सेम जी की वर्किंग करते हैं बट फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ये बट अगर ये फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं देन इसके अंदर चांसेस है कि हमारी सिक्योरिटी हमारा डेटा जो है ब्रीच हो रहा हो तो ये भी जो है कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल्स के थ्रू चेक होते हैं ये कुछ एग्जांपल्स है सेंड मेल और बाइंड जो कि फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए आपके सिस्टम की सिक्योरिटी को ब्रीच करते हैं तो अगर कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल एक्टिवेट है देन आप इन तीनों फॉर्म में जो है आपका इंटरेस्टेड कोड डाउनलोड हो रहा है चाहे वो इंटरनेट साइट्स के थ्रू हो एक्सपोज एप्लीकेशन के थ्रू हो या फिर लेगेसी डेमोन्स के थ्रू हो तो इन तीनों से जो है आप बच सकते हैं अपनी सिक्योरिटी को मेनटेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल अब इसके अंदर एक अप्रोच यूज होती है जिसे हम बोलते हैं कन्फाइनमेंट अब कन्फाइनमेंट का बेसिक मीनिंग अगर हम चेक करते हैं तो उसे हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन कन्फाइनमेंट का मतलब होता है अगर कोई भी सिस्टम के अंदर एप्लीकेशन मिसबिहेव कर रही है मिसबिहेव करने का मतलब है वो उसके अंदर जो वायरस है उसे मैनिपुलेट कर रही है मल्टीपल टाइम्स जो है उसे एक्सपेंड कर रही है हमारे सिस्टम्स की फाइल्स को हार्म कर रही है तो हमें जो है उसी टाइम जो है उस एप्लीकेशन को क्या कर देना है स्टॉप कर देना है किल कर देना विद द हेल्प ऑफ कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल ताकि रेस्ट ऑफ द सिस्टम जितने भी हमारे सिस्टम के अंदर बाकी सिक्योरिटी फाइल्स हैं डॉक्यूमेंट्स हैं आपका डेटा है उसे वो जो है ब्रीच ना कर सके थ्रेट ना कर सके और अगर ऐसी कोई भी मेलिशियस एक्टिविटी शोन होती है कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल्स के थ्रू एप्लीकेशनस के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर तो हमारा कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल क्या करेगा उसे एट रैंडम उसी टाइम जो है वो किल कर देगा ताकि हमारा सिस्टम जो है रेस्ट ऑफ द सिस्टम जितना भी है वो सेफ़ रहे हमारी बाकी फाइल्स जो है सेफ़ रहे और हमारे सिस्टम की सिक्योरिटी मेंटेन रहे